नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क। आजमनगर के बैरिया गांव में फैले बाढ़ के पानी से लोग त्राहिमाम। आजमनगर प्रखंड अंतर्गत चौल्हारपुर पंचायत के चांदपुर बैरिया गांव में बाढ़ का पानी फैलने से लोगों की आवागमन पूरी तरह से बाधित है। महानंदा तटबंध से गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूर्ण रूप से बाढ़ के पानी में विलीन हो चुकी है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लोगों को गांव से निकलने में अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, पर इसका सबसे ज्यादा असर गांव के गरीब किसानों पर पड़ा है। धान की नई रोपनी डूबने से धान के खेती करने वाले किसान निराश हैं, तो वहीं पटसन की लहलहाती फसल के डूबने से फसल बर्बाद होने की स्थिति में है। गांव के किसान में आफताब रहमान, मुन्ना हसनु, हबीब जमाल, रुबल राजा, विकलेश एवं पुतली देवी आदि ने कहा कि पहले ही कोरोना के कारण खाने पर आफत था और अब बाढ़ फसल बर्बाद करने पर तुली है। ऐसे में निचले इलाके में बसे हुए लोगों को घर से पलायन का रास्ता करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार की वृद्धि महानंदा जलस्तर में हो रही है, ऐसे में संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं राजद कार्यकर्ता सैयद आलम ने सीओ संजय कुमार से ग्रामीणों को अविलंब नाव मुहैया कराने की अपील की। वहीं उस वक्त मामले में सीओ संजय कुमार ने बताया कि सरकारी नाव के अभाव के कारण दो निजी नाव की व्यवस्था की जा रही है, प्राप्त होने पर तुरंत मुहैया करा दिया जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www